sallallahu alayhi Fatima, sallallahu alayhi Fatima, sallallahu alayhi. روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. ناظرین گرامی، سب سے پہلے سلام علیکم عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد جس شخصیت پہ گفتگو کرنی ہے وہ ایک ملکوتی اور الہی شخصیت ہے کہ جسے قرآن مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو پہلے عمل کرے ان کے عمل کو اللہ قرآن کی آیت بنا کر پیش کرتا ہے، اور ان کے تین دن کی روٹیوں کے بدلے میں پروردگار عالم پورا سورہ نازل فرماتا ہے. ان کی شخصیت، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی فضیلت میں ان کی سیرت ہے، ان کی سیرت میں ان کی فضیلت ہے، اور ان کی فضیلت میں ہماری حیات اور ہماری زندگی ہے. قرآن مجید میں بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق متعدد آیات اور روایات، متعدد آیتیں اور سورتیں اور ان کے ذیل میں روایتیں، شیعہ سنی تفاسیر سے، حدیثوں سے ہمارے لیے نہ ختم ہونے والے ایک معنوی سلسلہ ہم دیکھ سکیں گے. پروردگار عالم نے اس بی بی کے تین دین کی روٹیوں کے بدلے میں مکمل سورہ نازل کیا، اور اس سورے سے بعض آیتوں کو تبرکاً عرض کروں گا کہ ارشاد پروردگار ہے، ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا. یہ قیامت کا تذکرہ ہے، یہ بہشت کا تذکرہ ہے. اس میں دنیا کا کوئی ذکر نہیں ہے اس آیت میں، لیکن اس آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں کچھ کمی ہمیں نظر آتی ہے. پروردگار عالم اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا. عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. بہت سارے شیعہ سنی مفسرین نے اس آیت کو اور بعد والی آیتوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر گرامی اور ان کے دو بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم دو گروہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور ہمارے مفسرین ایک گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں. تو جو دو گروہ ہے، پہلا گروہ ابرار کا ہے اور دوسرا گروہ عباد اللہ کا ہے. دونوں گروہوں کو ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے علماء ایک ہی جانتے ہیں. لیکن آج میں
ये अर्ज करूँगा कि ये दो मुख्तलिफ गुरोह है, एक नहीं है। अलबत्ता बाज़ रिवायतें भी पेश करते हैं, लेकिन देखो रिवायतें मिसदाक को बयान करें, उसके बाद रिवायतें जो हम देखते हैं कि बाद वाली आयतों या पहली वाली आयतों से रिवायत मरबूत है, मुमकिन है नकल करते वक्त कहीं इधर उधर हो जाए। तो पहले गुरोह के बारे में आयत कह रही है इन्नल अपरारा, कि हमारे मुफसरीन ने कहा कि ये अबरार ये अहले बैत है, यकीनन अहले बैत के अबरार होने में शक नहीं है, लेकिन इस आयत में जिन अबरार का तस्किरा है इनमें अहले बैत आधार नहीं है। हमारी दलील कुरान इरशाद परवरदिगार है इन्नल अपरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, यकीनन नेक लोग अपरार पियेंगे मिन कासिन कासे से पियेंगे प्याले से पियेंगे काना मिजाजुहा काफूरा, उस प्याले में जो पीने वाली चीज़ है उसका मिजाज काफूरी है। यहाँ पे आयत ने अबरार और उनके अख्तियार और उनकी सिफात का तस्किरा किया कि अबरार क्या है, नेक लोग हैं और इनका काम पीना है, लेकिन प्याले से पियेंगे, इनका अख्तियार प्याले तक है कि जिसमें काफूर जो एक चश्मा है उससे कुछ कतरात इसमें मिलाया है और वो पियेंगे उसे। उसके बाद आयत आगे बढ़ रही है कि ऐनन यशरबू बिहा इबादुल्लाह, ये काफूर एक ऐसा चश्मा है कि जिसे इबादुल्लाह पियेंगे। तो यहाँ पर पहला फ़र्क ये है कि अबरार भी पियेंगे और इबादुल्लाह भी पियेंगे, लेकिन फ़र्क इतना है कि जब अबरार पियेंगे तो वो कासे से पियेंगे, उनकी रसाई चश्मे तक नहीं है। अबरार की रसाई कासे तक हैं और इबादुल्लाह जब पियेंगे तो वो कासे से नहीं पियेंगे बल्कि ऐनन यशरबू बिहा इबादुल्लाह बिहा लाया, यानि बिहा ये जो बे है, कुरान मजीद इंतहाई नाजुक मराहिल से इंसानों को गुजारता है और कुरान मजीद इसका हर लफ्ज नहीं हर हर्फ मौजज़ा है। यहाँ पर एक लफ्ज़ बे को लाया है, बा को लाया है, और यहाँ पर इस लफ्ज़ बे ने इबादुल्लाह के किरदार को मुअय्यन किया कि इबादुल्लाह क्या करेंगे, इबादुल्लाह का क्या किरदार होगा, इबादुल्लाह और अबरार में मुकायसा है। ये दोनों एक नहीं है कि जिस तरह हमारे बहुत सारे मुफस्सिरीन ने एक ही इनको समझा है, ये दोनों दो अलग अलग गुरोह है। पहला गुरोह अबरार का है और उनका इख्तियार पीने की हद तक है और वो पियेंगे कासे से महदूद है, यानी जब आप कासे से पियेंगे प्याले से पियेंगे गिलास से पियेंगे तो गिलास से पीने वाला और चश्मे से पीने वाले नहर से पीने वालों के दरमियान में क्या कोई फ़र्क नहीं है, पियेंगे दोनों, लेकिन ये कहाँ और वो कहाँ। तो यहाँ पर आयत कह रही है कि ऐनन यशरबू बिहा इबादुल्लाह, अबरार प्याले से पिए
जिसमें काफूर का मिजाज है, और अबादुल्ला प्याले से न पिए वो चश्मे से पिए। यानी यहाँ से ये फ़र्क सामने आ रहा है कि अपरार पियेंगे, अख्तियार महदूद है, लेकिन अबादुल्ला ये प्याले से नहीं पियेंगे, ये चश्मे से पियेंगे और ये चश्मे के मालिक होंगे। ये फ़कत चश्मे से पियेंगे नहीं, खुद युफज्जिरूनहा तफजीरा, जहाँ इनका दिल करे चश्मे उबाल के ले जाएंगे। तो यहाँ पर अबादुल्ला की जो सल्तनत है, उनका जो इख्तियार है, उनका जो इख्तदार है, वो सामने आ रहा है। अपरार एक महदूद तबका, महदूद इख्तियारात, लेकिन है नेक लोग, लेकिन महदूद इख्तियारात के साथ। अम्मा इबादुल्ला, इबादुल्ला एनन यशरबू बिहा, इबादुल्ला इबादुल्ला ये पियेंगे खुद चश्मे से और ये चश्मे के मालिक होंगे। देखो, आप अगर नहर को बहा कर ले जाए, आप अगर चश्मे को बहा कर ले जाए, तो आपको बहाने के लिए आपके पास इख्तियार होना चाहिए। आप जिस सरजमीन से बहाएंगे उस सरजमीन पर आपका इख्तियार होना चाहिए, नहीं तो लोग अपनी सरजमीन पर आपको नहर निकालने नहीं देंगे। लेकिन जब ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी ज़िंदगी में एक नहर निकालने के लिए आपको या पैसा देना पड़ेगा या मालिक से इजाज़त और रिजायत लेने की ज़रूरत है, तो जब यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है तो वहाँ क्या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? ये चश्मा जन्नत में है और जन्नत में इस चश्मे के कुछ मालिक है कि जिनको कुरान ने इबादुल्लाह का लक़ब दिया, और वहाँ उनका इख्तियार ये है युफज्जिरूनहा तफजीरा, ये खुद चश्मे को उभालेंगे और बहा कर ले जाएंगे जन्नत में, जहाँ चाहे, जिसके पास चाहे, जिसके घर में चाहे, ये खुद उस चश्मे को ले जाएंगे। तो ये दोनों कैसे एक हो गए, कासे से पीने वाले और चश्मे से पीने वाले, ये एक ही नहीं है? हमारे मुफस्सिरीन ने कहा दोनों एक है। ये दोनों एक नहीं है, अपरार का मकाम ये इबादुल्ला के मकाम के बराबर नहीं है। जो इबादुल्ला की मंजिलत है वो मंजिलत अपरार की नहीं है, जो फजीलत इबादुल्ला की है वो फजीलत अपरार की नहीं है। इबादुल्ला ये पिलाने वाले हैं, अपरार ये पीने वाले हैं। अपरार ये प्याले से पियेंगे, इबादुल्ला ये चश्मे से पियेंगे भी और पिलाएंगे भी। तो आज तक हम रिवायतों में जो पढ़ते हैं कि एक साकी है कौसर, एक साकी है मौला अमीरुल मोमिनीन, लेकिन ये आयत बता रही है कि साकी एक नहीं है, कई साकी है, कई अली है, कई मोहम्मद है। भाई कितनी बड़ी कुरानी हकीकतें हैं, कितने बड़े कुरानी हकायक है कि जिन से पर्दा उठा नहीं है। हम कैसे ज़ात फातिमा तक जाए? रिवायतों में आया कि लैलतुल क़द्र है, जिस तरह कदर की रात पोशीदा है, इसी तरह इंसानी फिक्र और तसव्वुर से जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात और शख्सियत पोशीदा है। इंसानी फिक्र की परवाज उस हस्ती की बुलंदी तक नहीं जा सकती। ये वो अजीम हस्ती है कि जिसकी बुलंदी तक इंसानी फिक्र की परवाज की रसाई नहीं है। भाई कितनी बड़ी शख्सियत है, ये कयामत में भी साकी है, ये महशर में भी साकी है, ये बहश में भी साकी है। और रिवायतों में आया है कि बहश में भी असा के जरिए
ये नहरें निकालेंगे और हर जन्नती के घर में ये नहर लेकर जाएंगे और जन्नतियों की जो हयात है, जो रिज्क है, इस चश्मे की वजह से है। और यही चश्मा उनको मरने न दे, उनको मिटने न दे। عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا۔ بعض نے کہا کہ ابرار اور عباد اللہ ایک ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ قرآن فرما رہا ہے جو خط شکن ہے، جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو تاریخ پڑھنے والے نہیں ہے، تاریخ بنانے والے ہیں، جو راہ چلنے والے نہیں ہے، جو راہ بنانے والے ہیں۔ اس سابق کسے کہتے ہیں کہ جو ہر میدان میں آگے ہو، جو ہر کام میں آگے ہو۔ سابقون بالخیرات، جو تمام خیر اور نیکی کی راہوں میں سب سے آگے ہو، وہ جو خط شکن ہے، وہ جو رول ماڈل ہے، وہ جو دوسروں کے پیچھے نہیں چلتے، دوسروں کو اپنے پیچھے چلانے والے ہیں۔ سابق جو آگے ہے، جو آگے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو پیچھے والے چلتے ہیں۔ تو فرمایا یہی مقربون ہے، یہی مقرب، یہی لوگ ہے۔ اور مقرب اور ابرار کا ایک فرق یہاں پر بیان ہوا، اور ایک فرق خدا دوسری جگہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ ان الابرار لفی علیین، یہ ابرار کیا ہے؟ فرماتا ہے قرآن ان الابرار لفی علیین، یہ ابرار یہ علیین میں ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے وما ادراک ما علیین، تجھے معلوم ہے کہ یہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم۔ علیین ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، رقم شدہ کتاب ہے۔ یہ جو ابرار ہے، یہ کہاں پر ہے؟ ان الابرار لفی علیین، یہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا کہ یہ علیین کیا ہے؟ علیون کیا ہے تمہیں نہیں پڑتا؟ کتاب مرقوم، ہاں یہ کچھ لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ یشہدہ المقربون، یہ ابرار کے نامہ اعمال ہے جسے مقربین دیکھیں گے، یعنی جو نامہ اعمال پیش کرے وہ ابرار ہے، جن کے نامہ اعمال جن کے سامنے پیش کرے وہ مقربین ہے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا ابرار کا مقام بلند نہیں ہے مقربین سے، جو بلند مرتبہ ہے وہ مقربین کا ہے۔ کیوں؟ وہ ابرار کے نامہ اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ابرار مقربین سے ان کا درجہ نیچے ہے۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جو مقربین ہے کہ جو کبھی تسنیم کے چشمے سے پئیں گے، یہ جو مقربین جو ہر میدان میں آگے ہے، یہ جو مقربین جو ابرار کے نامہ اعمال کا مطالعہ کریں گے، روایتوں میں آیا ہے کہ یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ پیغمبر کے گھر والے ہیں، یہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے۔ تو اب مشخص ہوا کہ ابرار عباد اللہ نہیں ہے، اور عباد اللہ
अबरार नहीं है। यह इबादुल्ला यह अहले बैत का कुरानी नाम है, जिस तरह खुद अहले बैत कुरानी नाम है इसी तरह इनके कुरानी नाम उम्मत मुस्लिमा है, मुश्तरक नाम है अहले बैत के बहुत सारे, और इसी तरह इनका जो मुश्तरक नाम है वो है अल मोमिनून। एक मोमिन है, एक अल मोमिनून है। मोमिनीन के जो अमीरुल मोमिनीन है वो है अली, और अली और औलाद अली के लिए और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जो ताबीर कुरान इस्तेमाल करता है वो अल मोमिनून है। तो यहाँ पर दुनिया फकत नहीं, आखिरत में इनका मकाम, आखिरत में इनकी मंजिलत हमारे सामने इन आयतों से आ जाए, तो वहाँ पर भी ये हमें प्यास से रहने ना दे। यानी दोनों जहाँ में उनका इख्तियार है और दोनों जहाँ में उनकी सल्तनत है, दोनों जहानों में उनकी पातशाही है, दोनों जहानों की जो मलिका है उसका नाम है फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और आगे जाकर आयत उनके किरदार को बयान कर रही है, यूफून बिन्नाज़र व यखाफूना यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। यहाँ पर यशरबू ये मुजारे का सेगा है, ठीक है। वहाँ इनका इख्तियार और इनकी सल्तनत जारी है, ये पिलाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर दुनिया में इनके किरदार को परवरदिगार सामने ला रहा है, यूफून बिन्नज़र कि ये नज़र अदा करते हैं। नज़र क्या है? ये खुदा के साथ एक वादा है, खुदा के साथ ताहुत है, खुदा से बंदा ये वादा करता है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा। आज हमारा मुआशरा जाली हकीमों के पास, जाली पीरों के पास हमारा मुआशरा जाता है, और इन जाली लोगों के हाथों से जो हमारे मुआशरे का हश्र हो रहा है, जो हमारे लोगों पर क़यामतें टूट रही हैं, आज जो हम और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी उनके नापाक किरदार हमारे सामने है, लेकिन मुश्किलात से मुकाबले का जो राह हल कुरान बयान करता है वो नज़र है। और आप देखेंगे शिया सुन्नी रिवायतों में भी जो यूफून बिन्नज़र है ना, यहाँ पर जो नज़र, ये पूरा सूरा क्यों नाजिल हुआ? शिया सुन्नी रिवायतों में आया है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमस्सलाम दोनों बीमार हो गए, इतने में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलतसराय फ़ातिमा पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि आप इनकी सेहत याबी के लिए अगर आप नज़र करें तो परवरदिगार आपको के बेटों को शिफा अता फरमाएगा। इस पूरे वाक़े को जनाब फ़ख्रुर राज़ी तफ़सीरुल कबीर में लाते हैं, जनाब ज़मख़शरी अलकफ़शाह में लाते हैं, और जनाब तबरी जामिउल बयान में लाते हैं, जनाब कुर्तुबी अलजामी अलअहकाम कुरान में लाते हैं, जनाब मौदूदी तफ़हीमुल कुरान में लाते हैं। दर्जनों अहले सुन्नत मुफस्सिरीन ने इस वाक़े को बयान किया कि जब पैगंबर ने यह दस्तूर दिया तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने नज़र की, और आपने जो नज़र की वो 3 दिन रोज़ा रखने की आपने नज़र की। 3 दिन रोज़े की नज़र है, पहले दिन रोज़ा रखने में शरीक है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, जनाब इमाम हसन और जनाब इमाम हुसैन, और इनके साथ फिज़ा खादिमा है।
तो यहाँ पर मैं अबरार और अबादुल्ला के बारे में जो गुफ्तगू कर रहा था वहाँ एक राज को मैं बयान करूँगा कि देखो अबरार का अख्तियार प्याले से पीना है और अबादुल्ला का अख्तियार ख़ुद चश्मे से पीना है और पिलाना भी है और उसे बहाना भी है, उसको लेके जाना भी है। उनका इख्तियार कितना बड़ा है, अबरार का इख्तियार चश्मे तक भी नहीं है, पिलाने की हद तक भी नहीं है, फ़कत कासे से ये लोग पियेंगे। तो यहाँ पर यह सवाल होता है कि जब अबरार अहले बैत नहीं है, अबादुल्ला अहले बैत है, तो अबरार का तज़किरा क्यों किया? चूँकि अभी सबब नुज़ूल में अर्ज़ किया कि तीन दिन नज़र में जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा भी शामिल है। आपने भी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ आपने भी नज़र की कि हसनैन अगर शिफा पाए तो हम तीन दिन रोज़े रखेंगे। और जब इफ्तारी का वक्त आया, यतीम मिस्किन और असीर को जिस तरह अहले बैत ने अपनी इफ्तारी दी, जनाब फिज़ा ने भी अपनी इफ्तारी दी, तो जब अमल में सब शरीक, जब अजर देने का वक्त आएगा तो उनकी नियतों को देखकर, उनकी शख्सियतों को देखकर ही अजर मिले। इमारत की तामीर है, मजदूर को अपनी मजदूरी मिलेगी, लेकिन जो मेमार है उसकी मजदूरी मजदूर की तरह नहीं है, काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ तो यह कहाँ। इसी तरह देखो नज़र रखने में अहले बैत के साथ जनाब फिज़ा भी शरीक है, लेकिन जब अजर देने का वक्त आ जाए तो परवरदिगार आलम फिज़ा को बग़ैर अजर के नहीं छोड़ता। जो अहले बैत के साथ मंसूब हो जाए अहले बैत के साथ ही वो रहेंगे। यहाँ पर एक ये पैगाम भी मिल रहा है कि अहले बैत अतहार के घराने के जो करीब जाए उनका भी वही हश्र होगा जो इनका है। यौमन नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर एक को उसके अपने ज़माने के हुज्जत और इमाम के साथ बुलाएंगे। जिसका इमाम इमामुन्नार हो वो जहन्नम में उसके साथ चला जाएगा, जिसका इमाम सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हो वो उनके साथ हसनैन की सरदारी में वो जन्नत में जाएंगे। तो यहाँ पर दरअसल उस मईयत को ये आयत रोशन कर रही है कि अहले बैत के पीछे पीछे चलने वालों का अंजाम भी वही है जो अहले बैत का है। और यहाँ तक कि जो इख्तियार है, जो सिफात है, उनमें भी शरीक है। तो यहाँ पर अबरार का नुमाइंदा है जनाब फिज़ा, तो जनाब फिज़ा के लिए जो अजर है वो कासे से पीना है, और वो भी उस चश्मे के कुछ कतरात यहाँ पर मिलाएंगे तो उससे ये पियेंगे। तो कुरान कह रहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, नेकी तक जा ही नहीं सकता कोई बंदा जब तक उस शे को राह इलाही में ख़र्च ना करे जिसे वो मोहब्बत करता है, जिसे वो चाहता है। तो यकीनी बात है कि तीन दिन तक न खाना, यहाँ तक कि भूख है, यहाँ तक कि चाहत है, यहाँ तक कि खाने से मोहब्बत है, लेकिन अपनी मोहब्बत को खुदा के नाम पे कुर्बान करना, अपनी चाहत को खुदा की मशीयत पे कुर्बान करना, ये अहले बैत की सीरत है। इसी वजह से आयत ने कहा यूफून बिन्नज़्र, ये इनकी एक दिन की सीरत नहीं है। देखो यहाँ पर जो हमें देखना है, देखो नज़र तो एक मरतबा किया, लेकिन आयत कह रही है यूफून बिन्नज़्र, ये हमेशा नज़र करते हैं, यानी खुदा से इनका जो वादा है वो टूटता नहीं है, खुदा से इनका वादा हमेशा कायम है, और खुदा से जो वादे ये लोग करते हैं उस वादे के ये पाबंद है। इसी वजह से खुदा इसे एक सिफत के तौर पर भी बयान कर रहा है और इनकी एक सीरत के तौर पर भी बयान फरमा रहा है।
شکرت الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سایه